हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका वीएम साइंस एकेडमी का यूट्यूब चैनल पर। और आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ साइंस का वही पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, जिसका दो क्लासेस पीछे चल चुका है। एक क्लास में हम लोग पूरी तरह से केमिकल रिएक्शंस को देखे थे, दूसरे क्लास में केमिकल इक्वेशंस को देखे थे। आज का क्लास हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशंस कितने तरह के होते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले माय नेम इज मुन्ना कुमार और ये आपका छोटा सा खूबसूरत सा यूट्यूब चैनल वीएम साइंस एकेडमी, जिसका एक इंस्टीट्यूट भी है। तो आप लोग इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना नहीं भूलेंगे। साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस कर देंगे, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो डाले सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो आज का क्लास आपका है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का थर्ड क्लास, जिसमें हम लोग टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशंस पढ़ने वाले हैं। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। आज हम लोग टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग देखे थे केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशन पढ़ चुके थे क्या, जैसे आप लोग देखते हैं कि HYDRO हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन अगर मिलता है तो क्या बनता है, वाटर, जो कि एक नया सबस्टांस है ना। तो इसको कहते हैं केमिकल रिएक्शन, इसको कहते हैं केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन शॉर्ट फॉर्म है। और इसी को सिंबल में लिख दे, हाइड्रोजन का सिंबल H2, ऑक्सीजन का O2, वाटर का H2O, ये बनाने के लिए भी सिखाए थे। नहीं अगर आता होगा तो जस्ट इसका पिछला लेक्चर केमिकल, अरे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन @2, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस @2 या क्लास टेंथ साइंस @2 का वीडियो आप देखेंगे, आप वीएम साइंस एकेडमी पर जाकर के आप सर्च कर लेंगे, मिल जाएगा आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा दोनों वीडियो का, जो भी इससे पहले चला है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए भी वहां बताया गया, बैलेंस कैसे किया जाता है। तो देखिए हाइड्रोजन दो एटम, यहाँ भी दो एटम, नीचे वाला को एटम कहते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है H2 तो दो एटम है, अगर लिखा हुआ है 2H2 तो हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स हैं, कितने मॉलिक्यूल्स है, दो मॉलिक्यूल्स, एक हाइड्रोजन में दो एटम तो दो हाइड्रोजन में चार एटम हो गए, यहाँ यहाँ एक मॉलिक्यूल्स है, इस चीज को ध्यान रखिए। इसको बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन दो गो, यहाँ ऑक्सीजन एक गो, चाहे तो यहाँ हाफ से गुना कर दीजिए, अरे दो गो था तो आधा से गुना कर दिए, दूसरे मैंने भागा दे दिए एक हो गया, या ऐसे नहीं कर रहे तो ऐसे भी कर सकते थे, H2 प्लस O2 बना था H2, यहाँ दो गो था यहाँ दूसरे गुना कर दिए, हो गया कि नहीं ये दो गो, लेकिन ये अब ऑक्सीजन दो गो हाइड्रोजन चार हो गया तो यहाँ दूसरे गुना कर दीजिए। तो चाहे ऐसे बनाइए बात आपका एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका रहा केमिकल रिएक्शन और ये हो गया केमिकल इक्वेशन। आज हम लोग पढ़ने वाले टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस, कितने तरह के केमिकल रिएक्शंस या इक्वेशन, दोनों एक ही है, लिखने का तरीका अलग है। अरे खाना को चाहे ऐसे डायरेक्ट ठूसो, चाहे ऐसे घुमा के लाके ऐसे ठूसो, जाना तो वही है कि नहीं, चलिए कोई बात नहीं है। आइए तो बात करते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो आप लोग जैसा कि बुक में देख रखे होंगे, या आप लोग बहुत सारे इंस्टीट्यूट में पढ़ चुके होंगे, आपके टीचर महाशय बता चुके होंगे कि केमिकल रिएक्शंस पांच तरह के होते हैं, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। बिल्कुल सही बात है, हम भी आपको पांच पढ़ाने वाले हैं। सबसे जो फर्स्ट पहला केमिकल रिएक्शन होता है उसे कहते हैं कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन। सेकेंड आपका जो होता है उसे कहते हैं डीकंपोजिशन केमिकल रिएक्शन। थर्ड आपका होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शंस भी कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। और चार नंबर में आपका होता है डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
और एक और जो पांच नंबर होता है ये हो गया आपका एक दो तीन चार, और एक और आपका लास्ट जो पांच होता है, जगह नहीं था तो यहां से हम इसको आगे बढ़ा करके यहां लिख देते हैं। क्लियर। पांच नंबर होता है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स केमिकल रिएक्शन भी कह सकते हैं, सब केमिकल रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं। तो ये पांच तरह के आपको केमिकल रिएक्शन पढ़ने हैं, दिख रहा होगा व्हाइट बोर्ड पर आपको पांच तरह का केमिकल रिएक्शन पढ़ना है, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रेडॉक्स। तो बारी बारी से स्टार्ट करें, उससे पहले एक थोड़ा सा झलक सबका ले लेंगे। क्या सर, क्या झलक दिखाने वाले हैं? ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसे एडिटिव रिएक्शन भी कहा जाता है, मतलब इसमें जोड़ वाला कहानी है। जोड़, एडिटिव मतलब जोड़, कॉम्बिनेशन कंबाइन करना है, यानी बहुत सारा कितनों है जोड़ देना। जैसे आपसे कोई कहा जाए चार प्लस पांच कितना होगा नौ, कोई कहेगा दो प्लस तीन प्लस चार कितना होगा चार तीन सात दू नौ, कोई कहेगा आठ प्लस सात प्लस छ प्लस सात, तो सात सात चौदह छब्बीस अब आठ अट्ठाईस। आप देखिए ना ध्यान से, अरे क्या नजर आ रहे हैं, एक और एक दूगो था, दूगो के जोड़ के क्या गो बना दिए एगो, यहाँ एक दो तीन गो था, तीनों को जोड़ के क्या गो बना दिए एगो, यहाँ एक दो तीन चार गो था, चारों को जोड़ के क्या गो बना दिए एगो। ये होता है जोड़। जोड़ का मतलब क्या हुआ, जितना सारा भी चीज है सबको जोड़ के बाद क्या गो बने एगो बन जाना चाहिए, वही होता है एडिटिव रिएक्शन। आप देखे हैं रासायनिक अभिक्रिया को, आप देख चुके हैं। अरे एक मिनट, पांचवा मिट गया आपका, पांचवा फिर से यहां लिख देते हैं रेडॉक्स। तो इसके अंदर क्या, कितना भी आपका प्रतिकारक हो रिएक्टेंट्स हो सब जुट करके क्या को बनेंगे एगो। आप देखते हैं, आपको पता है जैसे ए प्लस बी मेक्स सी, तो इसको कहते हैं प्रतिकारक मतलब रिएक्टेंट्स। नहीं पता होगा तो पूरी तरह से समझाया गया है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का दूसरा लेक्चर में, आप दूसरा लेक्चर को देख लेंगे। इसको कहते हैं प्रोडक्ट, है कि नहीं। तो इधर कितना भी रहे अगर सब मिलकर के एगो प्रोडक्ट दे, दैट केमिकल रिएक्शंस, दैट केमिकल रिएक्शंस इन विच कंबाइन टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स टू फॉर्म ऑफ अ ओनली वन सब्सटेंस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शंस। कहने का मतलब हुआ कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक प्रतिकारक मिल करके और सिर्फ एक सिंगल उत्पाद दे, एक प्रतिफल आपको दे, तो केमिकल रिएक्शन कॉम्बिनेशन का होता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि ए प्लस बी मिले और सिर्फ क्या दे, सी दे, दो गो मिलेगा और कै गो देगा एगो। ये होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये होता है कॉम्बिनेशन। सभी डेफिनेशन दिखाएंगे, अभी सिर्फ और सिर्फ हम एग्जांपल के थ्रू आपको दिखा रहे हैं। ये हुआ कॉम्बिनेशन। डीकंपोजिशन, डीकंपोजिशन, डीकंपोज करना, विघटित करना, तोड़ना। डीकंपोज करने का मतलब क्या होता है, विघटित करना। हिंदी बोले तो बाबू इसको कहते हैं संयोजन अभिक्रिया, संयोजन या जोग अभिक्रिया। और जनवे करते हैं जोग का मतलब क्या होता है, जोड़ना। इसको कहते हैं वियोजन या अपघटन। तो वियोजन माने वियोग कर देना, दो प्रेमी का वियोग कर देना, नहीं कहते उन लोगों के बीच में वियोग हो गया, वियोग के रस में बेचारा रो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, बिछड़ गया। अरे बिछड़ गया है कि नहीं, तो बस तोड़ देना, तोड़ना। डिकम्पोजिशन के मतलब, नहीं कहते डिकम्पोज हो गया मतलब सड़ गल गया, मतलब सब टूट टूट करके अलग हो गया, वो कहता है डिकम्पोज। भगवान करे तुम्हारे साथ कभी डीकम्पोज ना हो, मतलब अरे ये वाला नहीं वाला। आइए तो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस की यदि हम बात करें तो इसमें क्या होता है, एक सिंगल सबस्टांस होता है, एक सिंगल रिएक्टेंट से, मान लेते हैं ए, ए बी एक सिंगल रिएक्टेंट से, और ये क्या हो गया टूट करके ए अलग हो गया और बी अलग हो गया। ये क्या होता है आपका डीकम्पोजिशन, ए भी था एक सिंगल सब्सटेंस, इधर कितना बन गया दो यानी टूटा, इसमें इधर दो था कितना बना एक यानी कि जुटा, दो से एक बना जुटा, एक से दो बन गया टूटा, है कि नहीं। तो था आपका डिकम्पोजिशन। डिस्प्लेसमेंट नाम से ही क्लियर है,
डिस्प्लेसमेंट माने विस्थापन, हिंदी में कहते हैं इसको विस्थापन। विस्थापन का मतलब क्या होता है? अब जैसे देखिए ये ए, 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 दो पेन हमारे पास है कि नहीं, इस पेन से कहा कि इसको इसे हटा के यहां रख दिया, ये पेन का क्या, उसको हटा के उसके जगह पर आ गया, यानी विस्थापन मतलब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को हटा दे उसके जगह पर चला जाए, वो होता है। जैसे यहां मान लेते ए था और यहां बी सी था, अब ए को मन है कि सी के साथ हम रहेंगे, ए को पसंद है सी तो बी के कहेगा बाबू जाओ, बी नहीं जाएगा तो मरेगा दूर ना, बी चल गया बहरी, अब ए किसके साथ रहने लगा, सी के साथ, अब बी हो गया बहरी, इसको कहते हैं विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट, ए किसको डिस्प्लेस किया, बी को डिस्प्लेस कर दिया, है कि नहीं, ये विस्थापन हुआ। उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट की बात करें, इसकी डबल डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो दो तरह से विस्थापन, जैसे हमारे पास कुछ सामान है, आपके पास कुछ सामान है, आपका कुछ हम ले लिए, हमारा कुछ आप ले लिए, होता है आदान प्रदान। डबल डिस्प्लेसमेंट का होता है आदान प्रदान, कि हमारा भी कुछ हटे आपका भी कुछ हटे, एक समझौता वाला बात है कि नहीं, हमारे पास कुछ आपके पास कुछ, आपको वाला हम यूज कर ले हमारा ला। गलती बात ये बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट जैसे ए बी है और यहाँ थोड़ा जगह किया बाबा बाबू, ये आपका डिस्प्लेसमेंट का है, डबल डिस्प्लेसमेंट का हम यहाँ लिख देते हैं, मान लो ए बी है प्लस सी डी है, अब क्या होगा, ए को पसंद है इसमें जा रहा, सी को पसंद है इसमें वाला, तो ए चल जाएगा यहाँ और सी आ जाएगा यहाँ, तो बन जाएगा सी बी प्लस ए डी। देखिए दोनों में चेंजिंग हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, ये होता है डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि जो प्रतिकारक है वहां आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट रेडॉक्स, रेडॉक्स में कहानी होता है कि जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, बोथ, इसके पास क्या कंडीशन है, बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब बात है कि भैया ये क्या होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो आइए बारी बारी से देखते हैं, समझ तो नहीं, इसमें क्या होगा, जुटेगा, इसमें टूटेगा, इसमें ये वो जेकरा पसंद होगा ओके साथ रहेगा, इसमें अदला बदली करेंगे, एक तो कहानी यही बाकी है कि नहीं, फिर से इसमें जुटेगा, इसमें टूटेगा, इसमें क्या होगा, अरे इसमें क्या होगा, तो जो जेकरा पसंद होगा ओकरा साथ रहेगा, मतलब एक दूसरे को हटाएगा, और इसमें क्या है, समझौता होगा, हमारा वाला कुछ तुम्हारे पास, तुम्हारे वाला कुछ हमारे पास, और इसका तो अभी चिट्ठा खुलना ही बाकी है। फिर से इसमें जुटेगा, इसमें टूटेगा, इसमें क्या होगा, अरे एक दूसरे को हटाएगा, इसमें क्या होगा, एक दूसरे के साथ समझौता करेगा, और इसका कहानी अभी बाकी है। तो चलिए बारी बारी स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे कॉम्पोजिशन रिएक्शन का, तो पहले नोट बना लेंगे और हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले कॉम्पोजिशन रिएक्शन। अगर क्लास पढ़ने में मजा आ रहा होगा तो इसे शेयर जरूर करेंगे बाबू, इतना कहेंगे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर कीजिए, अरे नया चैनल है, जितना शेयर कीजिए उतना मजा आने वाला है, अगर जितना आप लोग ढंग से इसे शेयर करेंगे, अगर चैनल को अच्छा प्यार देंगे तो हमें भी लगेगा कि नहीं आप लोग हमारे साथ हैं, और मैं तो बार बार कहता हूं जब हम हैं तो काहे का गम है, पूरा सिलेबस क्लियर करके दूंगा। साथ में जो भी स्टूडेंट पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरे होंगे, सर ये पॉलिटेक्निक के लिए भी आपको ये सब क्लासेस बहुत ही मस्त है, आप पॉलिटेक्निक भी निकाल सकते हैं इसके द्वारा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसको हिंदी में कहते हैं संयोजन अभिक्रिया, या इसका एक और नाम है एडिटिव रिएक्शन, जोग अभिक्रिया है कि नहीं, इसका ये भी नाम ठीक है। तो जोग नाम से क्लियर है कि इसमें जोड़ना होगा, कितना भी रिएक्टेंट्स हो सब मिलकर के एक सिंगल सबस्टांस देंगे, आप कह सकते हैं कि दैट रिएक्शंस इन विच टू और मोर देन टू सबस्टांस कंबाइन टू ईच अदर टू फॉर्म अ सिंगल सबस्टांस, कह सकते हैं कि दैट रिएक्शन इन विच टू और मोर देन टू सबस्टांस कंबाइन टू ईच अदर
कंबाइन टू ईच अदर टू फॉर्म ऑफ अ सिंगल सबस्टांस। कहने का मतलब है कि इसमें क्या होगा कि दो या दो से अधिक सबस्टांस कंबाइन हो गए किसके फॉर्म में, एक सिंगल सबस्टांस के फॉर्म में। जैसे ए और बी मिला और क्या दिया आपको, सी, या ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिला और क्या दिया आपको, डी। ये इसका एग्जांपल हुआ। तो इस तरह से आपका कॉम्बिनेशन सिलेक्शन होता है। आप हिंदी में लिख सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके एक सिंगल उत्पाद बनाते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एक एकल उत्पाद बनाते हैं, एक सिंगल उत्पाद बनाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आइए कुछ केमिस्ट्री का एग्जाम्पल देते हैं। तो जनरल एग्जाम्पल था, कुछ केमिस्ट्री की बात करें। जैसे आप देखते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला देते क्या मिलता है, वाटर, H2O। बायलेंस कर दीजिए, ये आपका है कॉम्बिनेशन सिलेक्शन। या आपके पास सपोज कीजिए क्विक लाइन है, CaO, इसको कहा जाता है क्विक लाइन। इसे क्या कहा जाता है, क्विक लाइन। हिंदी में कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। अब बिना बुझा हुआ चूना इसको पानी में डाल दो तो चूना बुझ जाएगा, बनता है CaOH का H2O। कहते इसको स्लैड लाइन, स्लैड लाइन। अब इसे को हिंदी में कहते हैं स्लैट लाइन, इसको हिंदी में कहते हैं बुझा हुआ चूना। अरे पानी डाले तो बुझ गया, अब आप सोचिए तो इधर क्या गो था, दो गो, इधर क्या गो बना एक गो, इधर था दो गो इधर बना एक गो, क्या है, सब संयोजन रिएक्शन, सब संयोजन अभिक्रिया है, सब कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इधर एक दो मिला एक, एक दो मिला एक, संयोजन है, कंफर्म संयोजन है कि नहीं। थोड़ी सी और आगे हम बात करें तो ये चूना कौन है जो मार्केट में मिलता है, दिवाली में आप घर को पोचारा करने के लिए जाते होंगे मार्केट में चूना खरीदने के लिए, 20 रुपए, 10 रुपए, 12 रुपए जैसा मिलता होगा कि पर केजी मिलता होगा। तो चूना ला करके और उसको पानी में डालते हैं, पानी में तो चूना घुलता है लेकिन देखते हैं कि जिस बर्तन में डाले हो वो बर्तन हीट हो जाता है बाबू, जिस बर्तन में आप डालिएगा वो बर्तन हीट हो जाता है, जबकि आप उसे हीट नहीं किए हैं, आपने हीट नहीं किया लेकिन बर्तन हीट हो गया। क्यों, कैसे हीट हो गया, इसका मतलब साफ है कि जैसे ही चूना को पानी में डाला गया, क्विक लाइम को पानी में डाला गया, स्लैट लाइम तो बना है लेकिन साथ में कुछ हीट भी ये रिलीज करता है। बर्तन गर्म कैसे हो जाता है, मतलब कि ये हीट रिलीज करता है, हमें हीट करने की आवश्यकता नहीं है, ये खुद हीट बाहर देता है, हीट बाहर देता है। तो ऐसा रिएक्शन जो प्रोडक्ट के साथ साथ हीट को भी बाहर देता है उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो याद रखेंगे कि बहुत सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन वैसे होते हैं जो हीट रिलीज करते हैं, मैनी बोल तो मैक्सिमम कॉम्बिनेशन रिएक्शन रिड्यूस हीट। सो मैनी या मैक्सिमम केमिकल रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मैक्सिमम केमिकल रिएक्शन को, मैक्सिमम कॉम्बिनेशन रिएक्शन को एक्सोथर्मिक बोला जाता है। तो इसे हम कॉम्बिनेशन तो कब करेंगे, कॉम्बिनेशन के साथ साथ इसे हम एक्सोथर्मिक भी बोलेंगे, इसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहा जाता है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि साथ में हीट भी तो दे रहा है, साथ में आपको क्या दे रहा है, हीट भी तो दे रहा है, नहीं दे रहा है, एनर्जी दे रहा है सर, हीट बोले तो एनर्जी, आपको एनर्जी दे रहा है ऊष्मा या ऊर्जा। तो क्या सर, पहले तो सोचे बिना हिट किया अपना मन हिट हो गया, यानी कि हमने हिट नहीं दिया, ये अपना मन हमको हिट दिया, अब हिट दे रहा है एक्सोथर्मिक ऊष्मा क्षेपी। चलिए टॉपिक बनाएंगे छोटा सा ऊष्मा क्षेपी, इसे भी क्लियर कर लेते हैं क्योंकि एग्जाम्स में एक नंबर दो नंबर में आ सकता है। तो ये कॉम्बिनेशन हो गया, कॉम्बिनेशन से एक नया टॉपिक निकल के आया एक्सोथर्मिक,
तो बात कर रहे थे एक्सोथर्मी का, तो टॉपिक बनाएंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हिंदी में कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो नाम से ही क्लियर है, ऊष्माक्षेपी मतलब ऊष्मा क्या करेगा, रिलीज करेगा। आप कह सकते हैं कि दैट रिएक्शंस विच प्रोड्यूस हीट एज वेल एज प्रोडक्ट, वैसा रिएक्शंस जो प्रोडक्ट के साथ साथ हीट को भी रिलीज कर ले। आप कह सकते हैं कि दैट रिएक्शन विच रिलीज या रिड्यूस हीट एज वेल एज प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट के साथ साथ हीट को भी क्या कर दे, रिलीज करता है, उसे ही क्या कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। वैसा अभिक्रिया जो उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा को भी क्या करता है, बाहर करता है। जैसे एग्जांपल अभी तुरंत आप लोग देखे थे, फिर से हम लिख दे रहे हैं CaO प्लस H2O बनता है CaOH का होल टू, अब प्लस आपको क्या मिल जाता है, फिर से नाम लिख दे, इसका नाम है क्विक लाइम, ये जनवे करते हैं वाटर है, ये आपका सिलेक्ट लाइम और ये आपका हीट, हीट तो लिखा हुआ है, हिंदी में कहते हैं इसे बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, ये तो पानी है, ये चूना बुझ गया पानी डाले तो बुझा हुआ चूना, ये बिना बुझा हुआ चूना, पानी डाले तो बुझा हुआ चूना। अब पढ़ाओ ये तू मुन्ना, माई सेल्फ मुन्ना कुमार, चलिए होता रहता है। तो याद रखेंगे ये साथ में हीट दे रहा है, हीट की वजह से इसको हम क्या कर दिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ऐसा रिएक्शन कोई भी रिएक्शन जिसे हम हीट ना करें, अपना माने हीट और रिलीज करे, अपना माने हीट रिड्यूस करे, तब उसे क्या करेंगे हम लोग, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है, नोट कर लेंगे जल्दी से, ऐसे ही कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग पढ़ते रहेंगे, जब कभी नहीं भूले। नेक्स्ट सेकेंड नंबर, फर्स्ट हमारा कॉम्बिनेशन क्लियर हुआ, नेक्स्ट रिएक्शंस था डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, दूसरा नंबर डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं विघटन या वियोजन अभिक्रिया। ऐसे तो आपके बुक में वियोजन ही लिखा हुआ है, तो हम भी वियोजन लिख देते हैं, आगे बताएंगे कितना सारा इसका नाम है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन डिकम्पोज करना, तोड़ देना, एक दूसरे से अलग कर देना, एक साथ था हम और आप एक साथ थे, एक ऐसा आंधी तूफान आया, आप कहीं और चले गए, हम कहीं और चले गए, अरे ड्यू टू कोरोना यार कहां सोचते हो यार, क्या हम लोग पहले क्लासेस में एक साथ पढ़ रहे थे, ऐसा महामारी फैला, आप कहीं और हम कहीं और, बी पॉजिटिव थिंक पॉजिटिव। क्लियर, आइए तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, दिमाग को कॉन्सेंट्रेट कीजिए क्लास पर, बाकी मस्ती होते रहेगा क्योंकि आप जुड़ गए हैं हमारे साथ। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस की बात करें, वियोजन अभिक्रिया, ये क्या करता है, तो इसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारे सबस्टांस एक साथ होते हैं और ये टूटते हैं, मतलब कि एक लार्ज सबस्टांस स्मॉल स्मॉल सबस्टांस में क्या होता है, टूटता है। यानी आप कह सकते हैं कि दैट रिएक्शंस इन विच अ सिंगल लार्ज सबस्टांस, अ सिंगल लार्ज सबस्टांस ब्रेक डाउन इनटू अ स्मॉल स्मॉल सबस्टांसेस, छोटे छोटे सबस्टांस में क्या होते हैं, टूटते हैं। कह सकते हैं कि दैट रिएक्शन इन विच अ लार्ज सबस्टांस डिकम्पोज
to form of many two or more than two substances. Please. That reactions, वो ऐसा reaction in which जिसमें a large substance, एक बड़ा substance decompose होता है, टूटता है, किसके form में, तो दो या दो से अधिक substance के form में, वो ऐसा reaction जिसमें एक बड़ा substance छोटे छोटे substance में टूटता है, उसे कहते हैं decomposition. जैसे A, B, C तीनों एक साथ था, टूटकर बन गया, A अलग हो गया, B अलग हो गया, C अलग हो गया. क्लियर? A, B टूट करके ये अलग हो गया, बी अलग हो गया, ये आपका होता है डीकम्पोजिशन. अब यदि हम आपके केमिस्ट्री का एग्जाम्पल दें, अब यदि केमिस्ट्री का एग्जाम्पल दें, तो जैसे देखें ये आपको पता है, यही हम लोग क्या किए थे उस टाइम, सी ए ओ एच को, अरे सी ए ओ प्लस एच टू दिए थे, तो क्या बन गया, सी ए ओ एच का होल टू बन गया, पानी डाले थे बुत गया था. अब फिर से यदि उसे हीट कर दे तब क्या होगा, ये COH का होल टू है, COH का होल टू जिसे कहते हैं हम लोग सिलेक्ट लाइन, बिना बुझा, अरे बुझा हुआ चुना, ये चुना बुझ गया है, बुझा हुआ चुना. अब चुना बुझ गया है, इसको आगे पर अब हम लगा देते हैं, इसको हीट कर देते हैं, सीधे इसको क्या करते हैं, हीट का सिंबल होता है. अब हीट करेंगे तो जो भी इसमें पानी की मात्रा था वो तो निकल जाएगा H2O. अब पानी निकलेगा तो फिर से अपना वही बचेगा CaO, बिना बुझा हुआ चूना क्विक लाइन, ये वाटर बहरी हो गया, फिर अपना वही बन गया बिना बुझा हुआ चूना. सब में ऐसा नहीं होता है कि पानी डाले तो कुछ और बना, हीट किए तो फिर उसी, कहीं कहीं होता है जैसे इसमें हो गया, रिवर्स गियर यहां लग गया, सारे रिएक्शन में रिवर्स गियर नहीं लगते हैं ना. तो यहां से क्या था, ये एक सिंगल बड़ा सबस्टांस था, इधर छोटे छोटे दो सबस्टांस में टूट गया, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, इसे क्या कहेंगे हम लोग, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोज हुआ टूट गया. या एक और रिएक्शन की बात करें, एग्जाम्पल नंबर वन, एग्जाम्पल नंबर टू, आपके पास NaCl एक्वस फॉर्म में है, NaCl का जलीय घोल है, और इसमें क्या करते हैं हम करंट डाल देते हैं. NaCl का यही था जलीय घोल, इसमें करंट डाल दिए, एक पॉजिटिव हुआ है और एक निगेटिव हुआ है. अब होगा क्या कि NaCl जो इसमें था ये टूट जाएगा अपने आयंस में, Na प्लस अलगे और Cl माइनस अलगे. अब ये पॉजिटिव है तो निगेटिव पर आएगा, निगेटिव है तो पॉजिटिव पर आएगा, आपको पता है, कल के क्लास में बताए थे, पिछले लेक्चर में आपको बताए थे कि प्लस हमेशा माइनस को लेके जाता है, एक प्लस एक माइनस के साथ सटेगा, दो प्लस दो माइनस के साथ सटेगा, प्लस माइनस के पास, माइनस प्लस के पास. तो किसी भी, याद रखेंगे, किसी भी लवण के जलीय घोल में, वो NaCl ही नहीं, कोई भी लवण का जलीय घोल हो, जैसे आपका MgCl2 का जलीय घोल ले लीजिए, आप CuSO4 का जलीय घोल ले लीजिए, किसी का जलीय घोल में यदि करंट डाल दे, इलेक्ट्रिक डाल दे, तो क्या होता है, अपने आयंस में टूट जाता है, सोडियम का आयन एक प्लस, क्लोरीन का आयन एक माइनस, ये टूट जाता है. तो यहां भी क्या हो रहा है, डीकम्पोजिशन हो रहा है, यहां भी क्या हो रहा है, डीकम्पोजिशन हो रहा है. इसके बारे में चर्चा करेंगे जब चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ेंगे ना, वहां पूरी तरह से चर्चा करेंगे. तो यहां देखिए NaCl था, करंट डाले, सोडियम और क्लोरीन अलग अलग हो गया, तो यहां ये भी डीकम्पोजिशन है. या एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करें, जैसे Cl2 है, इस पर सनलाइट डाल दिए, इससे भी तो हीट होता है, तो ये Cl अलग अलग हो जाता है, आयंस में ही टूटता है लेकिन अलग अलग हो जाता है, तो ये भी डीकम्पोजिशन है. तो डीकम्पोजिशन तीन तरह से, एक हीट देकर के, दूसरा करंट देकर के, एक लाइट देकर के, तो तीनों में क्या किया जा रहा है, हम इसको हीट दे रहे हैं, यहां भी डीकम्पोजिशन हुआ, यहां भी हुआ, यहां भी हुआ है, लेकिन डीकम्पोजिशन हो रहा है कब, जब हम इसे हीट कर रहे हैं तब, वो चाहे हीट किसी माध्यम से हो, चाहे लाइट से हीट करे, या करंट से हीट करे, या डायरेक्ट आग लहरा के हीट कर दे, है कि नहीं. यानी कि इतना तो कंफर्म है
कि डीकम्पोजिशन रिएक्शंस करने के लिए हमें हीट देना पड़ेगा, जबकि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में रिएक्शन हमें हीट दे रहा था, डीकम्पोजिशन में हमें हीट करना पड़ रहा है, तो हीट देना पड़ रहा है, ये सब हीट ले रहे हैं, तो हीट लेने वाला रिएक्शन को कहा जाता है एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक, तो इन्हें एंडोथर्मिक रिएक्शंस के नाम से जाना जाता है। वो हीट दे रहा था तो ऊष्मा क्षेपी, हीट ले रहा है तो ऊष्मा शोषी, हिंदी में कहते हैं इन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, इसे क्या कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो जल्दी से नोट करेंगे, अब ये तीनों के बारे में हम बता दे रहे हैं कि इसे क्या कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, तीनों का तो कॉमन है डीकम्पोजिशन, लेकिन अलग अलग भी नाम है, नोट करेंगे, जल्दी से नोट करेंगे, जल्दी से नोट करेंगे बाबू। बहुत लोगों का आपको पता होगा इस कोरोना के वजह से दूल्हा दुल्हन के लिए रो रहे हैं। ऐसी बात नहीं, इसके अपोजिट भी हो सकता है, दूल्हा दुल्हा के लिए रो सकती है। चलिए जल्दी से लिखेंगे, लॉकडाउन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है क्योंकि इस तरह का कंडीशन आ चुका है। स्टे होम स्टे सेफ का नारा आप लोग सुन रहे होंगे, तो अपने घरों में रहें, घर से ही पढ़ाई करें और ज्यादा बाहर घूमने का कोशिश ना करें, नहीं तो आप कोरोना की चपेट में आ सकते हैं और कोरोना आपके जैसे सुंदर सुंदर स्टूडेंट को ही पकड़ रहा है। आइए देखते हैं टॉपिक क्या बना आपका, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, हिंदी में कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो बात करें एंडोथर्मिक रिएक्शंस का, तो अभी पता आपको चल चुका है कि दैट रिएक्शंस विच टेक हीट बाय द अनदर सिस्टम या सराउंडिंग, सराउंडिंग से उसे हीट चाहिए, हीट नहीं देगा, कॉम्बिनेशन सराउंडिंग को हीट रिलीज करता, रिड्यूस करता, ये क्या करेगा, टेक लेगा, ग्रहण करेगा, ऑब्जर्व करेगा, कह सकते हैं कि दैट रिएक्शंस इन विच दैट रिएक्शंस विच टेक हीट बाय द सराउंडिंग to decompose the any substance या फोर कर लेते हैं फोर decompose the any substance is called endothermic reactions, is called endothermic reactions, मतलब ऐसी अभिक्रिया जो सराउंडिंग से हीट लेता है किसके लिए, तो सबस्टांस को डीकम्पोज करने के लिए, वैसी अभिक्रिया जो सबस्टांस को डीकम्पोज तोड़ने के लिए सराउंडिंग से हीट लेता है उसे क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। कई कुछ सर बुक में लिखा था कि वैसी अभिक्रिया जो ऊष्मा को ग्रहण करता है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, अरे भैया हम भी तो वही लिखे, लेकिन ग्रहण करता तो ग्रहण क्यों करता है, क्यों करता है, क्यों का जवाब देने वाला क्लास है ये, तो क्यों करता है, तो सबस्टांस को डीकम्पोज करने के लिए करता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहले वही COH का हॉल टू है, डायरेक्ट हीट किए तो मिला CaO प्लस H2O, वही आपका NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है, इसमें करंट डाल दिए तो मिल गया आपको Na प्लस अलग हो गया Cl माइनस अलग हो गया, वही आपका Cl2 था और इसको सनलाइट दे दिए तो Cl अलग हो गया, इसी के कारण फोटोसिंथेसिस होता है, इसी के कारण क्लोरोफिल से क्लोरीन बाहर निकलते हैं तो पत्तियों में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। तो वैसा रिएक्शन जिसे डायरेक्ट हीट किया जाए तो इसे कहा जाता है थर्मल डीकम्पोजिशन या थर्मल रिएक्शन। अरे थर्मल मतलब हीट, थर्मल के मतलब क्या होता है, हीट, डायरेक्ट हीट की, जिसमें करंट दिया जाता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइसिस, अरे विद्युत विच्छेदन, विच्छेदन माने तोड़ना, किसके द्वारा, विद्युत के द्वारा, विद्युत के द्वारा तोड़ दिए, अरे विच्छेदन किए हैं किसके द्वारा, विद्युत के द्वारा, है कि नहीं, और इसको कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन क्योंकि फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस में हो रहा है,
इसे कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो देखे ना, डीकम्पोजिशन आपको तीन तरह का हो गया। डीकम्पोजिशन तीन तरह का, डीकम्पोजिशन तो पहला बात की ऑल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, एक नोट करके लिख लेंगे। नोट क्या है आपका, ऑल डीकम्पोजिशन रिएक्शन आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। चलिए ऐसे नहीं लिखते हैं, ऑल एंडोथर्मिक रिएक्शंस इज कॉल्ड डीकंपोजिशन रिएक्शंस, ऑल एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर कॉल्ड डीकंपोजिशन। जितने भी एंडोथर्मिक हैं सब के सब क्या होते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन होते हैं। क्लियर। और जितने भी आपको उसमें हमें नोट्स नहीं दिए थे क्योंकि मैक्सिमम होते हैं, ऑल नहीं होते हैं। जितने भी आपको एक्सोथर्मिक होते हैं कॉम्बिनेशन मैक्सिमम होते हैं लेकिन सब नहीं होते हैं। तो ये आप नोट्स कर लेंगे जल्दी से, तीन तरह का एंडोथर्मिक, थर्मल, इलेक्ट्रोलाइसिस, फोटोकेमिकल, जल्दी से नोट कर लीजिए। क्लियर हो गया होगा। तो एंडोथर्मिक हो गया आपका। अब आपके बुक में एक क्वेश्चन है, अब देखेंगे तो आपके बुक में एक क्वेश्चन मिलेगा यहां कि श्वसन को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। जो हम लोग सांस लेते हैं उसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। एक क्वेश्चन है आपके बुक में कि श्वसन को उष्मा क्षेपी एक्सोथर्मिक अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो इसका आंसर तो आपको जब लाइफ सिस्टम पढ़ेंगे, जैव प्रक्रम आप चैप्टर नंबर 6 बायोलॉजी का पहले चैप्टर में, तो आप बिल्कुल क्लियर मिलेगा। लेकिन यहां देखिए, जब हम लोग सांस लेते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन अंदर जाता है और ये ऑक्सीजन अंदर जाकर के ग्लूकोज से मिलता है, और जब ग्लूकोज से ऑक्सीजन मिलता है C6H12O6, जैसे ग्लूकोज से ऑक्सीजन मिलता है तो यहां से CO2H2O और एनर्जी बाहर निकलता है। ये CO2 हम लोग के लिए कोई लाभदायक नहीं, तो इसे बाहर कर देते हैं, H2O को रख लेते हैं और एनर्जी हमारा यूज हो जाता है। तो प्रोडक्ट के साथ साथ उष्मा भी दे रहा है भैया, एनर्जी दे रहा है, हमने तो अंदर हीट नहीं किया था, इसको सांस लिए ग्लूकोज से मिला एनर्जी दिया, यानी एनर्जी बाहर दे रहा है, ले नहीं रहा है एनर्जी, एनर्जी दे रहा है। तो दे रहा है तो क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक। तो आंसर होता है कि जब हम लोग श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे शरीर के, देखिए सांस लेते तो बहुत सारे गैस अंदर जाते हैं लेकिन फेफड़ा के बाद, फेफड़ा क्या करता है सारे गैस को छाट करके और सिर्फ ऑक्सीजन को अंदर जाने देता है ना, तो वहां से ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाता है जो ग्लूकोज से अभिक्रिया करके ऊर्जा प्रदान करता है। अब ऊर्जा बाहर दे रहा है भाई तो एक्सोथर्मिक कहेंगे, इसीलिए इसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। पूरी तरह से लिख दे,
ये रहा है आपका ग्लूकोज C6H12O6, इसे कहते हैं ग्लूकोज। ये रहा ग्लूकोज, ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो क्या मिलेगा, सबसे पहले बनता है CO2, उसके बाद H2, तब बन जाता है आपका एनर्जी। बैलेंस तो करना होगा, अरे कार्बन 6 है तब तो 6 से गुना, हाइड्रोजन 12 एटम तो यहाँ 6 से गुना। अब ऑक्सीजन 6 × 2 = 8, यहाँ 6 × 2 = 12, 6 × 18 = 18, को 6 को यहाँ है तो 12 को यहाँ कर दिए, 6 × 2 = 12, 6 × 18 बैलेंस हो गया। तो इस तरह से एनर्जी क्या हुआ, बाहर निकला, इसीलिए इसे क्या कहते हैं एक्सोथर्मिक, इसीलिए इस रिएक्शन को क्या कहते हैं एक्सोथर्मिक। क्लियर, तो ये क्वेश्चन था आपके बुक में तो हम करा दिए। नेक्स्ट बच गया आपका डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद आपका डबल डिस्प्लेसमेंट और रेडॉक्स, तो आज 2 क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो 2 और क्लियर करेंगे और उसके बाद 1 क्लास रेडॉक्स के लिए और पूरा चैप्टर खत्म, यानी 2 क्लास और आपका चलने वाला है। तो इसे ही मुस्कुराते रहिए, क्लास चलते रहेगा दिल से दिल तक, नोट्स कर लेंगे।